कोशिश थी, उसकी वजह से ये टूर्नामेंट जो है वो सक्सेसफुल हो सका, और साथ में जो 23 छात्र जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उनकी वजह से ये टूर्नामेंट जो है सक्सेसफुल हुआ। मैं प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे हमने 2 दिन का ये टूर्नामेंट रखा था, 2 उड़ानें थी इसमें, एक 21 तारीख की थी, एक 23 तारीख की, और उसमें हमने एवरेज जो है वो घंटे जो हैं वो रखे थे। एवरेज जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आवर्स बने हैं वो मेरे ख्याल से गोल्डी जी जो हैं वो आपको बताएंगे कि पहले 3 जो लोग हमारे पार्टिसिपेंट जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हमारे विनर्स आए हैं उसमें जो फर्स्ट आए हैं हमारे शकील जी हैं खड़ीका तालाब से, काफ़ी रिनाउंड हमारे कबूतर परवर होते थे, हमारे बड़े भाई थे, अब हमारे बीच में वो नहीं रहे हैं, ये उनकी उनके छोटे भाई हैं शकील जी, उनके कबूतरों ने जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम बनाया है। गोल्डी जी बताएंगे कितना टाइम उन्होंने बनाया जो हमारे फर्स्ट आए। अट्ठासी घंटे जो हैं 2 दिन के उन्होंने बनाए हैं। और मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, शकील साहब का जो कबूतर पहले दिन बैठा था लास्ट, वो 7:56 में बैठा था, और ये मेरे ख्याल से हमारे जम्मू की हिस्ट्री है, जम्मू की नहीं, काफ़ी अगर हम जगहें लेंगे तो मेरे ख्याल से हाई फ्लायर कबूतर ये शायद गिने चुने कबूतरों में होगा, 1 या 2 ऐसे कबूतर, बाहर की बात कर रहा हूँ, अगर जम्मू की बात करूँ तो ये अकेला कबूतर है जो 7:56 पे सुबह 8 बजे उड़ा के शाम को 7:56 पे जो है ये बैठा है लास्ट। और दूसरी उड़ान जो थी हमारी उसमें आंधी तूफान था बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम लोगों के परिंदे जो थे वो बैठ गए थे, उस दिन भी ये कबूतर जो है ये 5:40 पे शायद 5:40 पे जो है ये आया था। अब दूसरे जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने सेकंड प्लेस ली है उनकी जो 2 उड़ान का एवरेज टोटल है वो है 66:57, उनका नाम है सनी जी, वो हमारे साथी हैं यहाँ पे। और थर्ड जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनका और सेकंड जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनकी बड़ी ज़बरदस्त टक्कर थी, ये कोई 15-20 मिनट का जो हेर फेर है सारा, उनके टोटल जो घंटे बने हैं वो बने हैं 66:34। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे गोल्डी भाई से कि सुभाष भैया को बुला के तो जो प्राइज़ है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। शुक्रिया मेरे को। सनी जी विक्रम भैया को बोलेंगे कि वो आके सेकंड प्राइज जो है लिख जाओ, मुझे सारे डिस्ट्रीब्यूट करो ना, फोटो वीडियो बना मैं कुछ बोलना चाहना। इधर ये मेरी टीम है, मेरी कोई मेहनत नहीं है, सारी मेहनत इन 2 बंदों ने की हुई है छत पे, 3-4 बंदे हमारी पूरी टीम है जिन्होंने मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है, इसने मेरे कबूतरों को ट्रेनिंग दी है और ये मेरे कबूतरों की सारी देखभाल करता रहा है, बीमार वगैरह कुछ भी हो सारा मेडिसिन का काम इसने किया हुआ है। 2 मेरे टीम मेंबर हैं, एक मेरे केसी चाचा जी और एक पुरानी मंडी से काला भैया शिवा, उन्होंने मेरे कबूतरों को उड़ते हुए पूरा ध्यान रखा हुआ है, वही मेरे को बताते रहे हैं कि हमारे कबूतर कब आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं, हमारे पूरा टीम वर्क हुआ हुआ है जिसकी वजह से ये हमने मुकाम हासिल किया है, अदरवाइज सारा क्रेडिट ये मेरे भाइयों को जाता है जिन्होंने काफी ज्यादा एक मिनट यार, इधर के यार